लाइबा टिप्स एंड ट्रिक्स में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक सेविंग मशीन का फुल ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। जैसे कि मैंने अपनी पिछली अनबॉक्सिंग की वीडियो में आपको बताया था कि मैं डिटेल वीडियो लाऊंगी जल्दी, इंशाल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें प्लीज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टूल्स है गाइस जो ने जो है मशीन के साथ मुझे मिले हैं। ये देखिए, ये ब्रश है जिससे आप सफाई कर सकते हैं। ये बटन होल के लिए है, आप इसमें काज कर सकते हैं और इसमें बटन आप लगा सकते हैं, ठीक है। और ये आपका पिको फुट है, बीडिंग फुट जिसे कहते हैं, और ये आपका जो है जिपर फुट है, ठीक है, जिस जिप लगाने के काम आएगा। ये बाइबिन है और ये फोर बाइबिन जो है आपके साथ आपको मिल रही है, ये प्लास्टिक की है, देख रही हैं। और जो है ये चीज़ देखिए, ये इसका स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है। और ये देखिए, ये भी एक टूल है, इससे भी एक तरह की स्विच होती है जैसे स्क्वायर वगैरह आप बना सकते हैं। और ये इसके साथ मैनुअल बुक है जो आपको बहुत हेल्प देगी इसे हर तरह से, जैसे आपको समझना है, चलाना है सब चीज़ के लिए। देखिए, और ये इसका पावर प्लग है जो हमने इसमें इंसर्ट कर लिया है, और यहाँ पे इसका ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है और इसे आप ऑन कर लीजिए। यहाँ देखिए, ये इसकी एलईडी लाइट ऑन हो जाती है, तो इसका मतलब आपकी मशीन ऑन हो गई है। अब हम देखते हैं अपनी बॉबिन कैसे फिल करना है। ये देखिए बॉबिन है, आप इसमें इसको जो है ऐसे इंसर्ट करिए, ठीक है, और इसे इस तरफ कर लीजिए। और यहाँ पर जो है अब हम थ्रेड लगाएंगे इस तरह से, और ये जो है थ्रेड का इसे आप रोकने के लिए ऐसे इंसर्ट कर लीजिए इसमें, ठीक है। और देखिए यहाँ पर वन नंबर बना है, यहाँ से आप धागा लेते हुए यहाँ से घुमाकर आप यहाँ पर लाएंगे सेकेंड नंबर में, जैसे ये बाइबिन पे आप अटका के बस। अब देखिए बाइबिन में हमने धागा अटका दिया है, अब हमें ये फुट को प्रेस करना है और देखिए बाइबिन हमारी फेल होना स्टार्ट हो गई है। बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप सब कुछ कर सकते हैं, बहुत मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। आइए दोस्तों देखते हैं इसमें बॉबिन कैसे लगाई जाती है। ये इसका स्टोरेज बॉक्स है, इसे आप हटा लीजिए। देखिए इसमें अच्छा खासा स्टोरेज के लिए बना हुआ है, और आप इसे जो है ऐसे प्रेस करेंगे ये बाहर निकल आएगा इसका ढक्कन। और यहाँ पे अंदर इसका शटल है मशीन का, आप इसमें बॉबिन जैसे जैसे हम और मशीनों में अपनी लगाते थे वैसे ही लगेगी, खाली हल्की सी कट की आवाज़ आएगी तब समझिए आपकी बॉबिन बैठ गई। अब हम दिखाएंगे इसमें आपको धागा कैसे लगाना है, अपनी सुई तक कैसे पहुंचाना है। तो देखिए ये सबसे मुश्किल लगता है लोगों को, यहाँ पे से आप सीधे सीधे देखिए, ये वन नंबर है ऊपर, और जो है ये सेकंड नंबर है, और ये देखिए ये इसका थर्ड नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एरो बना हुआ है, यहाँ से आप धागे को घुमा लीजिए, घुमाने के बाद ये आपका ऊपर आ गया है, आप इसके इस तरफ से लीजिए, इधर से ले करके आप धागा घुमाइए और वापस से फिर वहीं नीचे ले आइए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये सुई के ऊपर जो है ऐसे एक गैप बना हुआ है, आप उसमें से धागा नीचे कर लें, ठीक है, और यहाँ से आप इसकी नोक में धागा डाल लें, बहुत सिंपल है। अब हम आपको बताएंगे बाइबिन का धागा कैसे ऊपर लें, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो है जैसे हम अपनी पिछली मशीनों में देखते थे चक्का होता था उसका हम यूज़ करते थे, उसी तरह आपको इसे यूज़ करना है, आगे की तरफ इसे प्रेस करना है और यहाँ से जो है आपकी बाइबिन का धागा ऊपर आ गया, ये देखिए। अब इसे हम निकाल लेंगे इस तरह से। जैसे कि बिगनर्स के मन में डाउट होता है कि हम जो है इसकी लेंथ जो है कितनी रखें, कैसे रखें, यहाँ पे देखिए लेंथ नंबर बने हुए हैं और पॉइंट बने हुए हैं, ये देखिए डॉट दिख रहे हैं आपको, और जो है आपको जैसे मुझे टू रखनी है तो इस लेंथ के डॉट के सामने मैंने ये टू रख दिया है। और यहाँ पे स्टिचिंग लेंथ देखिए, हमको ये जो है अभी सीधी सिलाई लेनी है तो हमने सीधा इसके सामने रख ली है। अब हम आते हैं अपनी स्टिचिंग की तरफ, अब हम इस देखिए हम स्ट्रेट स्टिच लेकर दिखाएंगे। अब देखिए अब हम अपनी जिगजैग स्टिच दिखाएंगे आपको, आप जो है इसे ऐसे हल्का सा प्रेस करके घुमा लीजिए और आपको ये देखिए जिगजैग स्टिच। देखिए ये स्टिचिंग लेंथ जो है आप इसे छोटी बड़ी कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप,
अब हम आपको जो है नेक्स्ट जो है ये वाली दिखाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब इसके पास आपके पास ये स्टिचिंग है और इसी को उलट करके ये इस तरफ आएगी, ये है। अब हम आपको एक तरह की करके दिखा दे रहे हैं। देखिए हमने ये वाली आपको दिखाई है और ये इसी की तरह सेम है, बस आपका जो है डिजाइन इस तरफ हो जाएगा। अब हम ये आपको नेक्स्ट दिखाएंगे। ये सारी स्टिचिंग गाइस जो है आप अपने कुशन पे, अपने घर के पर्दों पे और जो है तकिए के पिलो पे, मतलब हर चीज पे आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट अब हम इस पर आते हैं और जो है जैसे ये स्टिच जो है, जैसे आप शलवार का बॉटम बना रहे हो या आप पैंट बना रहे हो, आजकल जैसे चल रही है डिजाइन वाली, उसमें आप दे सकते हो। देखिए देखिए नेक्स्ट हम आते हैं अपनी ये गोल डिजाइन पर, जो कि मुझे बहुत पसंद है। इसे आप अपने बॉर्डर पर यूज़ कर सकते हैं और कटवर्क डिज़ाइन भी इस पर क्रिएट कर सकते हैं और इसकी लेंथ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसे कम कर रही हूँ। अब हम आपको काज होल, मतलब बटन होल कैसे करना है वो बताएंगे। और जो है ये देखिए, इसे ऊपर करके हम इसे प्रेस करके निकाल लेंगे, बहुत सिंपल है। और जो है इसे अब हम जो है इसमें इंसर्ट करेंगे, ऐसे बैठाइए और इसे दबाइए और ये देखिए ये फुट लग चुका है। सबसे पहले हमें जिस साइज़ का बटन लेना है, लगाना है इसमें, हम उसे ले लेंगे और जो है उसे मार्किंग कर लेंगे। ये मेरी छोटी सी टिप्स है, उससे आपको जो है काज करने में बहुत आसानी मिलती है। देखिए यहाँ पे ऐसे हमारे निशान आ गए और ऐसे हम जॉइंट करके एक आई की शक्ल में ऐसे बना लेंगे, ठीक है। देखिए गाइस, ये जो है जितने भी हमारे काज की लेंथ है, हमें उस पर जो है ऐसे कपड़े को सेट करना है और यहाँ पे इसे नीचे करना है, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है हमें काज बटन जो है घुमाना है, सीधा वन नंबर पर लाना है। ये वन नंबर देखिए इसके सामने आ गया, ये देखिए, ठीक है। अब हम इसको सेकंड नंबर पे लाएंगे, ये देखिए, ठीक, बस। अब हम इसे थर्ड नंबर पे लाएंगे, ओके, अब हम इसे फिर से फोर्थ नंबर पे लाएंगे, वापस फोर पे लाएंगे और यहाँ पे इसे पैक कर देंगे। ये देखिए हमारा काज जो है इस तरह से बन जाएगा। आपको इसे बीच में से कट करना है। ये इसका ब्रश है, इसे आप खींचेंगे तो देखिए इसमें जो है काज बटन कट करने के लिए टूल्स दिया हुआ है और इसे आप इस तरह से कट कर लेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब हम आपको बटन लगाना सिखाएंगे, इसे हम जो है निकाल लेंगे। ये देखिए, ये आपका बटन लगाने में हेल्प करेगा और यहाँ पे देखिए छेद बने हुए हैं, इसमें इसे आपको सेट करना है। देखिए ये बैठ गया है बहुत अच्छे से, हिलता भी नहीं है। और फिर जो है आप अपना बटन का प्रेशर लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से आप इसे पैक कर देंगे, ये देखिए, ओके। अब हम आपको बटन लगाना सिखाएंगे। देखिए हमने बटन यहाँ पर सेट किया है और इस बात का ध्यान रहे कि सुई का होल जो है, मतलब बटन के होल में ही सुई की नोक जाए, नहीं तो आपकी सुई टूट जाएगी। और ये देखिए, ये हम जो है इसका ये चेंज करेंगे, यहाँ पे वीविंग स्टिच पे कर लेंगे जिगजैग पे। और आप एक बार सुई की नोक जो है चेक कर लीजिएगा कि बटन के होल में जा रही है कि नहीं, ठीक है। अब हम इसे जो है आप कितना सिंपल है, अब देखिए वो वाला हो गया, हम दूसरे छेद को भी फिल करेंगे।
ये देखिए कितनी सफाई से बटन लग गया है और बटन होल भी बन गया है, और आपका ये बटन और बटन होल रेडी है। देखिए अब ये इको फुट के बारे में बताएंगे। ये देखिए इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से बना है। इसमें देखिए रोलिंग का वो दिया हुआ है, इसी में आपको कपड़ा रोल करना है हल्का सा। और अब हम इसे इंसर्ट करेंगे, जैसे कि हमने पिछले फुट्स को किए थे। इसे ऊपर करके ऐसे बैठा लीजिए और इसे ले लीजिए, हमारा फिट लग गया है। इस बात का ख्याल रखें कि इसका धागा जो यहाँ पे गैप बना है आपको यहाँ से डालना है, ना कि सामने से। फिर हम थोड़ी सी सिलाई ले लेंगे ताकि आगे का थ्रेड हम उसको इस तरह से पकड़ सकें और कपड़े को खींच सकें, ठीक है। और ये देखिए ये पिको फुट का जो रोलिंग स्टेप है, इसमें हमें कपड़ा इंसर्ट करना है हल्का सा और फुट को नीचे कर देना है। अब इसको खींचते हुए हम अपनी सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये देखिए किस तरह से बिटिंग हो रही है। बस आपको कपड़ा खींचते जाना है पीछे और आगे से जो है इसको हल्का हल्का फोल्ड आप ये रोलिंग में करते हैं। हमारी ये कंप्लीट हो गई है पीको। ये देखिए हमारी पीको कितनी अच्छे तरीके से हो गई है। और जो है गाइस ये देखिए ये जिपर फुट है और ये क्वाइटिंग फंक्शन है। और जो है इसे इस पे आप जो है स्क्वायर सिलाई ले सकते हैं, पिंटेक्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। और इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।